जब जब आएगी मानवता पर आंच, तो हथौड़ा भी उठेगा माइक के साथ। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। रुको वकील बाबू, रुको। बैंक वाला का तो दिमाग खराब हो रहा, आपका भी हो लिया। ताला तोड़ नहीं है, ताला जगह खराब। हम नहीं हो ताला खोल का बैंक का लाना। जो तो ताला लग रहा है, इसका कोई लोन नहीं। यू कड़ी तो डिफॉल्टर नहीं खड़ी इसने कि मैं सिस्टम ने कर क्या बैंक नाड़ा ताला क्यों कर मार दिया। जबरदस्ती माने ही नहीं, मैं बोला कि मत तोड़ो। बोला खोलो, मैं क्या खोलूं, मेरा मकान है, मेरे नाम से, कोई मेरी रीति को नहीं जानता हूं। तुम आए कैसे मेरे मेरे पास? आपकी रजिस्ट्री इसकी आपके नाम है? मेरे नाम है, सब कुछ मेरे नाम है। इस मकान पर कोई लोन नहीं है और बैंक ने कोर्ट को गुमराह करते हुए ताला लगा दिया। ठीक करा, गलत करा? बैंक वाले की लूट फूट झूठ के है। अगर कोई बाहर आके कहीं पे काम कर रहा है और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा के कोई मकान ले रहा है, अपना घर चला रहा है, और उसके बाद क्या आप ये जबरदस्ती उनके घर पे भी ताला लगा देंगे? क्या लोग काम करना छोड़ दे, सुसाइड कर ले, लोग मर जाए सारे, जहर खा ले? क्या बैंक वाले प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं? क्या प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं? वो कहावत बोले, मरे पे भी खावा जिंदा पे भी खावा। पुलिस और बैंक मिल करके एक चक्कर भी बनावे हैं, एक जाल बुने हैं, और उस जाल में जो फंस गया वो फंस गया। भाई उनको सजा दिलवाएंगे चाहे जहाँ तक जाना पड़े। सही बात है, दूसरे को घर से बाहर निकाल देने आसान नहीं है। और इस प्यार को क्या नाम दें? इस प्यार को नाम तो लट देना चाहिए। लट किसके देना चाहिए? बैंक का। आपका मकान पे जब वो बैंक पर चला जाए और जिसमें आप डिफॉल्टर भी नहीं, आपने लोन भी ले रखा, बैंक ने ठीक गलत फिर वही काम इसके साथ हो रहा है। सावधान, बैंक वालों का दिमाग खराब हो चुका है। आटा माजी सटकली। जोर लगा के, 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 जोर लगा के। रुको वकील बाबू, रुको। बैंक वाला का तो दिमाग खराब हो रहा, आपका भी हो लिया गे? ना, बैंक वाला का हो रहा है। ताला तोड़ नहीं है, ताला जगह खराब खराब। अब नहीं हो ताला खोलगा बैंक का लाना। अरे जब ताला खराब हो गया तो फिर जिनकी खराबी है वो पकड़ में नहीं आओगी। पकड़ में भी नहीं आने के। चलो ऐसा लाओगे बैंक वाला का, लाओगे ताला यहाँ से खोल गए हो। चलो एक बार एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक बात मैंने कही थी, जब जब आएगी मानवता पर आंच, तो हथौड़ा भी उठेगा माइक के साथ। हरिया कुआड़ी जाने तोड़न खातर को नहीं पे तो मैं मीम से बोला, रुको जरा सबर करो, पहले पोल तो खोल दूं, पहले बता तो दूं। बैंक वाले की लूट फूट झूठ के है। अभी ये सारे जितने भाई बैठे हैं, खड़े हैं साथ में, एक बार चुकरते कैमरा करते भाई, कैमरा मैं कहूंगा कैमरा चुकरते घुमा दे भाई, घुमा दे चुकरते, एक बार बोलो भाई, भारत माता की, भारत माता की, मैं तारा जोश देखूं, भारत माता की ना भाई, बताऊं जब तार में जाने लोगे तो ताले नुआ लागेंगे भाई। और सुनो, अभी मेरे साथ एडवोकेट नवाब भाई हैं, विजय भाई हैं, मैं और सुनो, यू जो ताला लग रहा है इसका कोई लोन नहीं, लोन है भाई इसका कोई? नहीं, कोई यू लोन नहीं इसका। यू कड़ी तो डिफॉल्टर नहीं खड़ी इसने कि मैं सिस्टम ने कर क्या बैंक नाड़ा ताला क्यों कर मार दिया। यह बात सोचने वाली है, इसलिए मैं कहूँ बैंक वाले का दिमाग खराब हो लिया। अब इसकी एक रजाई का उछाड़ तैर का हम दिखावांगे और बतावांगे लोग कड़ कड़ता पैट रहे इन दर्जू साइड ने, इनका जिक्र है ताला टूटता देखना चाहूंगे। रुको भाई, इस पहले तो हमने बताया जहाँ यार मामला के नवाब भाई, नुम बताओ जिस घर पर ताला है, इस घर पर कोई लोन है? नाजीन के पास कोई लोन नहीं है। किसका मकान है ये? आपका भाई, क्या नाम भाई आपका? ब्रिज बिहारी सिंह। ब्रिज बिहारी जी, आपने कब लिया था ये मकान? आपका ही मकान है? मेरा मेरा है, मेरा अपना। आपका खुद का है? खुद का। इसके कागज आपके पास है? सारा सारा कागज है, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कागज है, सारा कागज है। इनका कोई लोन नहीं है। इस मकान पर कोई लोन नहीं है और बैंक ने कोर्ट को गुमराह करते हुए ताला लगा दिया। ठीक करा, गलत करा? गलत करा। अरे तारे तो जमा दाने को खांदे को नहीं, ठीक करा या गलत? ठीक या गलत? ठीक या गलत? आठा के बताओ, एक बार आठा के बताओ, गलत करा? जो जो माने गलत करा आठा के बताओ, उड़ान भी दिया भाई, आठा के बताओ जी। तो आप सुनो भाई, आप ये व्यक्ति, इसका घर पर ताला लग गया, इन्हें कोई लोन नहीं देना, और ताला लग के इसका परिवार में क्या बीतरी होगी? बोला जिस पर बीता हो जाना, यू सुसाइड कर गया, हरासमेंट में आके, डिप्रेशन में आके, रेल के तड़ा के कट गया, या फिर कोई कर गया, तो उसका जिम्मेवार कौन है? बैंक है। उसका जिम्मेवार कौन है बताओ, आप कमेंट कर, कौन है जिम्मेवार भाई? अब इसके साथ क्या बनेगी? ना इन्हें कोई लोन देना था,
नवाब भाई बताओ बारी बारी से किस तरह खेला कराया बैंक ने। ये हमारे पास इसके सारे दस्तावेज है। हाँ। इस भाई साहब का ये ब्रिज बिहारी सिंह जो है इन्होंने कोई लोन इन्होंने नहीं लिया हुआ है इस बैंक से। अच्छा। जो इनकी ये प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी इनकी कौन से बैंक ऑफ बड़ौदा के पास इनकी प्रॉपर्टी मोर्गेज है और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इनका लोन है वो इनका प्रॉपर जो सही तरीके से इनका लोन चल रहा है उसकी ये प्रॉपर अपनी सही से किस्तें भर रहे हैं और ये जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके ये जो लोन है जिस लोन का इन्होंने इनके यहाँ नोटिस लगाया है और जिस लोन के अंडर इन्होंने ये ताला लगाया है वो लोन नाम से है। मैं एक मिनट आपको इसमें अच्छा जो देखो इस पे जो नोटिस पे नाम हो किसका है ये देखिए ये श्रीमती रितु शर्मा पत्नी श्री वीरेंद्र शर्मा के नाम से है। अच्छा। और इसमें पूरी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो अलग है और इनकी जिस प्रॉपर्टी में ताला लगा है वो डिटेल ये है। ये पूरी की पूरी डिटेल अलग है। नवाब भाई जो नोटिस में नाम है उस नाम में कोई इसके रिश्तेदारों का नाम परिवार का आप जानते उनको भाई कुछ नहीं दूर तक जानकारी नहीं है इसका इनके कोई उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो यहाँ पे रहने वाला भी नहीं है। अच्छा। एक तो सरकार ने पहले ही रोजगार का आप देख लो क्या करा हुआ है और उसके बाद कोई दूसरे देश से दूसरे प्रदेश से आके यहाँ पे काम करने के लिए अपना घर चलाने के लिए अपने रोजगार के लिए अगर कोई बाहर आके कहीं पे काम कर रहा है और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा के कोई मकान ले रहा है अपना घर चला रहा है और उसके बाद क्या आप ये जबरदस्ती उनके घर पे भी ताला लगा देंगे क्या लोग काम करना छोड़ दे सुसाइड कर ले लोग मर जाए सारे जहर खा ले। ये आप देखो इसका कौन एक बात बताओ एक फिल्म आई थी पीके उसमें पीके ने एक डायलॉग मारा था ई गोला पर कौनो फिरकी देवत है या इस गोला पर कौन फिरकी दे रहे हैं। अब आप देखो इस जो ये नोटिस है नोटिस क्या निकलिए भाई कैमरा मैन जल्दी से फोकस करो ये नोटिस जो है देखो भाई इस पर कितने लिख रहे क्या है इसका नाम कहीं नहीं है जिस व्यक्ति का नाम है उसकी प्रॉपर्टी कोई और है। ये देखो और सुनो गड़बड़ कर होगी बैंक ने देखो मेरा जो डाउट होया नवाब भाई ऐसा लगा है पुराना ही अमित पुराना बेटा जो तो मकान है आप देख रहे हो बैंक ने शायद लोन कराया होगा प्लाट पे किसी का और जब उसका लोन नहीं भरेगा तो उसने सीज कर गए तो प्लाट ने सीज कर प्लाट के ताला मारेंगे उन्होंने सोचा भाई ऊपर रिपोर्ट देनी है ताला मार के दिखाना ताला इसका मकान पर मार दिया देखो ताला के तो ताला कर दिया ये ताला नहीं ताला विजय भाई क्या कहना चाहोगे इस प्यार को क्या नाम दें। इस प्यार को नाम तो लठ देना चाहिए। लठ किसका देना चाहिए बैंक का तो क्यों अब मान लो कि इसका कोई कसूर नहीं ना इसका कोई लेना देना है बैंक से तो मैं तो एक बात सोच के हैरान हूँ कि भाई ऐसा हुआ कैसे मतलब इतना बड़ा क्राइम बैंक ने कर कैसे दिया और प्रशासन वहां से वो परमिशन लेके आ रहे हैं अब या तो प्रशासन को गुमराह कर दिया उन्होंने बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए रहे लेकिन ऐसा भी लगता भी कोर्ट को भी गुमराह कराया होगा कोर्ट को तो सरेआम कर रखा है ये आपने शिकायत दर्ज कराई भाई मैं कराई है। शिकायत ले ली इनकी शिकायत दर्ज कराई हुई है इसमें संबंध में एक एप्लीकेशन हमने चौकी में दी हुई है चौकी इंचार्ज यहाँ अपना कलाम के अंदर उन्होंने उसकी रिसीविंग भी दी हुई है उसके बाद जब फर्दर कार्रवाई आगे नहीं हुई तो उसके बाद हम कोर्ट में भी जा चुके हैं हम उसके बाद सीएम विंडो पे भी एसएसपी हरियाणा एसपी और अपना डीजीपी हरियाणा के पास भी हम जा चुके हैं। सील होती है वकील साहब ऊपर कोई सील नहीं है जिसके ऊपर ये देखो या स्टेशनरी की दुकान पर ले आके टेप है टेप लेके चेप के कोई सील नहीं इसके ऊपर किसकी ड्यूटी है बहुत सही टाइम पे गया पर्चा पे हाँ पर्चा नाम देखो जी क्या है पर्चा पे क्या नाम है बैंक का पर्चा देखो पढ़ लिखा है बैंक का परचम तो नाम उसमें रिंकू शर्मा लिख रखा है और ये है कराओ कराओ करो क्या नाम है आपका बलजीत सिंह अच्छा अच्छा आप बैंक में वो है क्या सिक्योरिटी अच्छा बैंक सिक्योरिटी से आप कोई बात नहीं भाई बैंक का नाम है जाना बैंक और जाना बैंक किसी काम करा तो चला जाओगे भाई सही है मैं सिक्योरिटी लगा रखे हैं जिनको खुद पता नहीं है और सुनो आपको जानकारी होनी चाहिए भाई आप ये बताओ आप ये मकान जो है इस मकान के मालिक यू है यू खड़ा यू मालिक है और इसका इस परचम को आता पता नहीं पर्चा किसी का हाँ जी आप ही कह रहे थे ना भाई बैंक ने लगा रखी है आप पढ़े लिखे भी हो गए आपने पता भी होगा ये जो पर्चा लग रहा है नी इस पर्चा में कहीं भी इसका नाम नहीं है जो इस मकान का मालिक है नहीं फिर बैंक आप पैर भी तो करना आगे बोला जी ये पर्चा लग रहा है बैंक का आपने आपका मकान पे जब बैंक पर्चा ले जाए और जिसमें आप डिफॉल्टर भी नहीं आपने लोन भी ले रखा बैंक ने ठीक करा गलत करा दो फिर वही काम इसके साथ हो रहा है वही हो रहा है आप बैंक वाले से बात करा दो मेरी कराओ जी क्या नाम उनका मैनेजर का
कंप्लेंट आपने शिकायत लिखवा रखी है? शिकायत लिखवा रखी है, अब हैया दर्ज नहीं हुई है। पुलिस किससे बात हुई थी? अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास उसमें कुछ पावर नहीं है, इसमें कार्रवाई करने की, आप कोर्ट से करा लो। हमने उनसे कहा भी है कि आप हमें लिखित में दे दो ये चीज कि आपके पास इसमें कार्रवाई करने की जो पावर है वो नहीं है, हम कोर्ट से करा लेंगे। देखो ये चोर पुलिस का खेल में फंस गया, ये बेचारा पीड़ित। आप सुनो, क्या बैंक वाले प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं? क्या प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं? वो कहावत बोले मरे पे भी खाओ और जिंदा पे भी खाओ है, यानी कि इस जिंदा प्रॉपर्टी के ऊपर भी, और फिर नीलाम करके डिफॉल्टर बना के किसी को, और फिर प्रॉपर्टी को अर्पण का एक साजिश है पुलिस के साथ मिलके, और गुमराह कर दिया माननीय कोर्ट को गुमराह कर क्या भाई, और इसकी जांच होनी चाहिए। अभी नवाब भाई कह रहे हैं ताला तोड़ना चाहते तो तोड़ सकते थे, लेकिन बैंक वाले कल को कहते भी ताला टूट रहा हम के करा, लेकिन बैंक का कसूर है कि नहीं आप कमेंट करके बताओ। और जांच किन पे करावा? जांच उन पे करावा जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो खेल के है। इस खेल की पोल खुलनी चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। जब यहाँ पे ताले लगे थे जिस दिन पुलिस आई थी, चलो हमने मान लिया पुलिस की बात कि पुलिस यहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन के लिए आई थी, पुलिस लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आई थी, पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो आया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हर एक केस के अंदर, जहाँ भी ये कब्जा कार्रवाई करते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं हर एक जगह। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम क्या है? क्या वो एक तरफा कार्रवाई कर देंगे? नवाब भाई दुम्मा उड़ता लिगड़ेगा जरा ऐग हो, बिल्कुल बेईमाना तो मिलकर करेगा आयो, ऐसी तो बात नहीं भी इतनी बड़ी गलती बैंक करेगा भाई, ताला लगा था साजिश तो है, ये तो पोल खुल गई तो बेरा पट गया, नहीं तो बोला चल गई तो तीर नहीं तो तुक्का, ये तो वही बात है। इसका क्या कसूर? अब क्या है, जबरदस्ती लोगों को पैसे दे के, जबरदस्ती लालच दिखा के, लोन दे के उनकी प्रॉपर्टी पे तो कब्जा कर ही रहे हैं। अब जिसके पास लोन ही नहीं है उसकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो अब बताओ इसमें क्या करेंगे? अब कहाँ जाए जनता, किसके पास जाए? अच्छा एक बात देखो, ये वकील साहब उठ के आए हैं, विजय भाई उठ के आए, मैं उठ के आया हूँ। कल को बैंक वाले आपके साथ कोई सेटिंग करने लग गए, आप बैंक के साथ तो नहीं सेटिंग कर लोगे, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। क्यों करेंगे सेटिंग? हाँ भाई, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, इसको मैं जानता हूँ कि सेटिंग करूंगा। हाँ भाई, इसलिए कभी नहीं करूंगा, इसका सबक सिखाना है। हाँ ये बात है, इसको सबक सिखाना है, सभी जनता को बताना है, क्योंकि कहते हैं अन्याय ना करो ना सहो। अन्याय करना पाप है, तो अन्याय सहना महापाप है, महापाप। कोई ऑफर मानने वाले नहीं है ये, बस ठीक है भाई, कोई नहीं मानेंगे ऑफर। हाँ। उनको सबक सिखाएंगे। और सुनो, बिना मिलकर हो नहीं सकता, पुलिस और बैंक मिल करके एक चक्रव्यूह बना हुए हैं, एक जाल बुने हैं, और उस जाल में जो फंस गया वो फंस गया, जो नहीं बोल लगा वो फंस गया, और जो बोल लगा वो बच गया। तो फिलहाल जैसे वो कड़े गए भाई मुछाड़े दे, बैंक से बात करेंगे अभी हम, करवाओ जी बैंक से बात। और सुनो, साजिश क्या होती है? यू ताला लग गया तड़का ने मनमाने इसका जी कर गया बेचन का, यू बिका को नहीं महंगे रेट में, नू कहीं यो है मकान जिसका ताला लग गया था, कपड़े भी अंदर पड़े। हाँ, इसका तो मोरल डाउन, सारा अंदर पड़ा है, खाने का कुछ नहीं है, दूसरे का इनके पास के भी बच्चे मेरे बाहर हैं चंडीगढ़ है। अच्छा, अब देखो भाई सामान इसका भीतर पड़ा, तो यू के कौन सा खेल खेल रहे हो बैंक महाराज? बोलने के बाद भी कहे मैं क्यों खोलूं? मैं क्यों खोलूं? जबरदस्ती तोड़ दिया मेरा लोग, जबरदस्ती माने ही नहीं। उस टाइम थे जब सील कर रहे थे। हाँ, जबरदस्ती माने ही नहीं, मैं बोला कि मत तोड़ो, बोला खोलो, मैं क्यों खोलूं? मेरा मकान है मेरे नाम से, कोई मेरी रीति को नहीं जानता हूँ, तुम लोग आए कैसे मेरे पास? आपकी रजिस्ट्री इसकी आपके नाम है? मेरे नाम है, सब कुछ मेरे नाम है। अभी देखिए आज मैसेज आया है बैंक का, मैसेज दिखा रहा हूँ आपको। बैंक का मैसेज? आपका बैंक का? हमारे बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा। उनसे बात करी आपने फिर इस बारे में? मैं तो पहले ही नोटिस में बात करी थी, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं है, बोले कोई फ्रॉड बैंक है या कुछ नहीं कर सकते। आपकी ठीक जा रही थी? हाँ, एकदम अप टू डेट है, आज देखिए 20 महीने का आया है। लो भाई देखो भाई, नुगारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, देखो आप क्या हो रहा है। और यदि नुगारा अंधेरा में गलती, अंधेरा में बहु न माँ कह देनी, तो चंदना में ध्यान रख लो, बैंक वाले चोन तोड़ने खतरा है। हम ये देखो भाई, बैंक वाले के काम कर रहे हैं, इसका कोई लोन नहीं बैंक के लिए, इसमें खाता नहीं उस बैंक में जिस बैंक को ये फी ले। लगातार कंटिन्यू चल रही है। लो भाई आज की 20,113 किस्त आज कटी इसकी, बताओ आप। देखो बैंक, अब ये देखो, यो जो बैंक है जाना बैंक है, जना बैंक में जाना बैंक है, हाँ जाना एक जनाजा है बिरन के, यू इसकी जनाजा निकलनी चाहिए। हाँ, पर ये कायदे से तो ये बहुत गलत है, और ये कानून का दुरुपयोग भी है भाई, कोर्ट को गुमराह कराया गया बैंक द्वारा।
और यदि बैंक पे बैंक ने भी अपनी सफाई देनी है। हम नून कंधे मैंने कहा था आ गया ये आ गया आ गया कोई बात नहीं। एक चीज का आराम मैं ना पक्ष ना विपक्ष मैं हूँ निष्पक्ष। बैंक यदि ये साबित कर दे भाई हम अपनी जगह ठीक है तो कैमरे पे आके बताओ भाई हमने ताला जहां लगाया है। बैंक ने जवाब देना चाहिए कि नहीं नवाब भाई भाई जवाब दो भाई ताला हमने क्यों लगाया है। और मैं भी जवाब दे लेना एक मीडिया पर्सन होने के नाते हालांकि आम पब्लिक की भी काफी अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट है। आम पब्लिक भी बैंक से पूछ सकते भाई ताला क्यों लगा रीजन तो दो। अरे रीजन ऐसा फुद्दू रीजन है ऐसा फुद्दू रीजन है तो ये रीजन भी कुछ नहीं ये तो ये रीजन को नहीं तो डिसीजन है ये तो बैंक ने डिसीजन ले लिया खुद है। चलो क्या मिनट की होगी भाई तो इस वक्त हम काला आम तय लाइव है नारायणगढ़ के। तो फिलहाल जितने भी दर्शक मार के जुड़े इस वीडियो ने जिला के शेयर करियो क्योंकि आज या समस्या इस भाई के लोग आगे के एक बात जरूर कहूंगा सावधान बैंक वालों का दिमाग खराब हो चुका है। आटा माजी सटकली जो भी फाइनेंस कंपनी प्राइवेट वाले हैं हाँ। उनकी दिमाग खराब हो रखी है हाँ, इनकी सबक सिखाना पड़ेगा। ये देखो प्राइवेट बैंक वाले तो ये जाना प्राइवेट बैंक है इसका दुनिया कोई जानता नहीं नारायणगढ़ में ही बहुत कम जानते हैं। यानी कि फंस गया तो फंस गया प्रॉपर्टी कब्जा में करो डिफॉल्टर बनाओ। अरे इसका तो केस है बिल्कुल अलग है भाई साहब जो मैं अलग सटोरी है इस गल तो स्पेशल छब्बी कर दी। आजो आजो भाई साहब आजो एक बार आप बात करा तो हाँ आज भर आज हो रहा हाँ जी तो बैंक वाले जा रहे बैंक की गलती है नहीं बैंक जा रहे हैं जो कर बैंक की नहीं क्या कर रहे बैंक वाले आपने बात करी बैंक ने बात करी मैंने जी आपको मैं बात करी मैंने मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात करी सिक्योरिटी गार्ड से बात करी क्या बोला तो करे जो करा करने दोनों को बस जो कर करने दोनों जो कार्य भी करते हैं वो तो चार तोड़ चलो देखो ये हालांकि बैंक में कर्मचारी हैं आप बैंक में सिक्योरिटी में हो आइयो देखो इन्होंने मैंने एक बात पूछी दिन पे एक कॉमन बात कह रहे हूँ आपका मकान है दोबारा सवाल करे हैं हाँ समझ गए नी ऊँ तो नहीं ताला मारना चाहिए नहीं ऊँ बेमतलब में बैंक जाने लो भी हाँ जी सर पुलिस वाला तो मिलाओ वकील आ जाओ कोई आ जाओ चलो चलो भाई दिखाइयो भाई वाह 112 में हिमाचल में जाता है थोड़ी उखड़ गई यहाँ भाई ये टूटा तो होगा लेकिन इस बात का पहले फैसला होगा भाई इसमें कसूरवार कौन है। अरे बैंक जनुकंदा माम सही हाँ तो आप आओ इस ताला ने मैं कौन टूटने देता हूँ फिर जब बैंक सही हो तो अपनी जगह और जब बैंक गलत साबित होया तो अपने हाथों से इस ताला ने तोड़ूंगा और मेरा बिगाड़ लियो भाई जिसने जो बिगाड़ना है बस सीधी बात है। कानून के हिसाब की बात करें तो कानून तो माम चल रहे हैं लेकिन गलत चीज होगी तो अपने कानून को है भाई गलत चीज को आप यदि वो करोगे तो उसका ऊपर नागरिक अपना वो है मौलिक अधिकार है अपने हमने बोलना हमारा जरूरी है उसमें नहीं बोलेंगे तो फिर बोले भाई छोड़ेंगे चलिए लेकिन हमारे जो मानहानि का ये हो रहा है उनका क्या सजा मिलेगा उनको भी सजा मिलना चाहिए में कहेंगे ये सजा मिलना चाहिए भाई उनको सजा दिलवाएंगे चाहे जहाँ तक जाना पड़े सही बात है। दूसरे को घर से बाहर निकाल देने आसान नहीं है और एक चीज और होगी नहीं आपके अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदारी में मैसेज का गलत मैसेज का भाई ये तो क्या नाम हमारा ब्रिज बिहारी सिंह तो ब्रिज बिहारी सिंह के साथ इनका दावा है धोखा है इनके साथ बहुत बड़ा धोखा है इनको बक्सा नहीं जाएगा ये देखो हो जाए हाँ। हम तोड़ेंगे उनको सजा भी दिलाएंगे इसके लिए जो करना पड़े मैं तैयार हूँ करने के लिए छोड़ेंगे नहीं ये देखो हिम्मत कैसे हुआ आने के लिए और जितना हौसला इसमें ना भाई मैं इतना हौसला की जरूरत है भाई सबने गलत यदि होता तो बोलो लड़ो अपने हक के लिए मैं माना करते रहा कोई सुना नहीं ना कोई मजिस्ट्रेट सुना ना पुलिस वाला सुना इसमें पुलिस वाले को ही बुलाना चाहिए। अभी आपकी तरफ से क्या एक्शन वकील साहब एक्शन तो उसमें भी पुलिस की वेट कर रहे हैं हम तो पुलिस अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करती है इसके अंदर अगर पुलिस कुछ कार्रवाई कर देती है तो हमें फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे कोर्ट जाएंगे सेशन कोर्ट जाएंगे सेशन नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जहां तक हमें जाना पड़ा इसको न्याय दिलाने के लिए हम वहां तक जाने के लिए तैयार हैं जहां तक भी जाना पड़े। ये मेरा इन्विटेशन है बैंक वाले थे जना बैंक के जो मैनेजर हैं या आपकी जो स्टेट लेवल की अथॉरिटी है वो आओ और स्पष्टीकरण दो भाई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।